जो यहोवा साडा पक्का बुरजो जो स्वास्थ्य तारीफ कर रहा है इस उच्चे गण वास्ते भी तारीफ कर रहा है वो छुड़ाण वाले खुदा वास्ते सब तारीफ कर रहा है हालेलुया हालेलुया प्रार्थना प्रभु दे दास नाम की करना धन्यवाद थोड़ी तारीफ कर रहे हैं थोड़ी रहमत दी वास्ते थोड़ी कृपा दी वास्ते सारा समान मेरी कोशिश कर रहा है और थोड़े नाम चाहे थोड़े बच्चे पता वाले मौन और ऐसा संगीत मसाला जी तुम दे देते हैं थोड़े फजल दे उसी दे थोड़े बच्चे आज नवी आशीष प्राप्त करना नवी शांति प्राप्त करना नवी जीत प्राप्त करना और नवे बल दे नाल अगे वधण होर ईमान सच्चाई की चढ़ाई दे विच वधण अज एक मजदूरी यीशु दे नाल निकल जावे और नवे बल दे नाल भरपूर हो जा बड़ा फल थोड़ी शांति सबकी मन बचाने गुरु दी अंधकार की जो ताकत इन रोज कार्य करना चाहिए और अज एक अपनी कमजोरी समर्थी लोग दूर हो जाए लोग सेव कर दे शांति कर प्रभु यीशु दे परमेश्वर की महिमा वास्ते भजन Thank you.
Thank you.
ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਰੀਫ 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 ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ रहा तू अपना।
Thank you.
Riva Masu, Riva Masu, Riva Masu, Riva
जिनके हृदय टूट चुके हैं, जिनके हृदय टूट चुके हैं, आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, वो ना घबराए और मत डरे। परमेश्वर उनके एक एक हाल को जानते हैं। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सारी परेशानी के अंदर है, वो खुदा को जानते हैं लेकिन वो इधर उधर देख रहे हैं कहीं से सहायता हो सके। लेकिन आप लोग जान लें, खुदाबंद यीशु के अलावा आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता। आप डरे मत, परमेश्वर आपके साथ है। चाहे आपके कितने भी विरोधी हों, वो शर्मिंदा होंगे क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। आप घबराए मत, प्रार्थना करें, उनके अंदर से दृढ़ता निवेश हो, दलेरी निवेश हो, दृढ़ता और बड़ी दलेरी है। सब जो हौसलों को तोड़ दिया, उस ताकत को रद्द कर, मत आप लोग घबराए मत। आत्मा आपके लिए बोलता है, आप चुने हुए, खुदा ने अपनी सोच के अंदर आपको बनाया और अपने हाथों से रचा। जब आप सब माँ के पेट के अंदर थे तो परमेश्वर आपको रच रहा था। आपकी एक एक हड्डी के अंदर ताकत बोली है, उस ताकत को ठहराया आपकी एक एक हड्डी के अंदर परमेश्वर ने। आप घबराए मत, डरे मत। ये लोग प्रार्थना कर सके दास, जो दुखों को देखकर वापस मुड़ना चाहते हैं, इधर उधर से सहायता मांगते हैं, इधर उधर देखते हैं। आप देखना बंद करें, घुटनों पे आ जाएं, बस परमेश्वर से वो बल को प्राप्त करें और आगे बढ़ जाएं। कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में गोद में उठाया हुआ। आप डरे मत, बहुत सारे दुखों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, आप निकलने वाले हो। आत्मा आपके लिए प्रवेश करता है। यशाया 41 उसका 9 से लेके 12 तक, ये चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं। पढ़ने वाला पढ़े। प्रार्थना करें दास, उनकी चिंता को जानो, एक एक चिंता यीशु के नाम से दूरो मस। जिन शत्रुओं से वो डरते हैं, वो शत्रु अब शर्मिंदा होने जा रहे हैं। सभी के अंदर विश्वास आ जाए, दिलेरी आ जाए, और प्रभु सर डर वह और चिंता परेशानियां सभी यीशु के नाम से निकल जाए मस। जिससे आपको लज्जा होती है वो लज्जा भागेगी। परमेश्वर ने आपके लिए वचन प्रवेश किया, यशाया 41 उसका 9 से 12। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की शोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है। प्रार्थना करें दास, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको परमेश्वर ने चुना। बहुत सारे दास हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक अपनी बुलाहट का पता नहीं है, वो उस दुख में पड़े हुए हैं, उस दुख के अंदर वो बोलते हैं,
कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। आज उनके लिए रबीस का और उनके अंदर विश्वास आ जाए, वो अपनी बुलाह को उत्तर जान सके और तेरे नाम में को पता मिल जाए, यीशु नाम में पता विश्व के लिए मस आगे पड़े और तजा नहीं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दहने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख जो तुझसे क्रोधित हैं वह सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। असमर्थ कार्य करे उन लोगों के अंदर उसने आपको छोड़ा नहीं है, उसका हाथ आपके ऊपर है। आपके सिर का साई वो है, आपके सिर का ताज वो है, रिबोस पिता। आत्मा बता रहे विधवा औरत है, कोई दो औरत है वो रो रही है, उनको रिवेस कर दास, दलेरी रिवेस कर, शत्र विदता, वो पूछती है कौन है हमारा, शत्र विदता, उनको आज बता दे, खुदावन यीशु आपका रिवेस है, शत्र विदता, रीजन हमारे विदता, री बाबा सूर्य विदता, यर वो विदता, यंदर वो विदता, री बाबा सूर्य छोड़ा बांगा से विदता, री थारा बाबा सूर्य विदता, मस, यंदर वो विदता, शत्र विदता, बहुत सारी बहनें हैं जो अपने आप को अकेला समझती हैं, परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं, आत्मा बोलता है मेरा हाथ आपके सर के ऊपर है, आप घबराएं मत, शंदार बाबा से भी सुनता, मैंने आपको सिरजा है, मैंने आपको चुना है, मैंने आपके रास्तों को बनाया है और मैं ही आपको चलाऊंगा। शंदर वो सुविधा आज इन सब की समझ खोल जाए, प्रवेश का दास शंदर यीशु के नाम पर खोल जाए, स्मृति नाम पर खोल जाए, शतर सुविधा यर वो सुविधा बस शंदर वो सुविधा अरे वो सुविधा यर वो सुविधा यंदर वो सुविधा। इस मैसेज को प्रवेश करना दास, इस मैसेज को दूर दूर तक प्रवेश करना, बहुत सारे लोग हैं आत्मा को सुनाएगा, रबोस रिता शत्र सुनता यह रिबोस से भी शत्र मिलती रिंदा रबा से के मिशती रिदा नमा सब जा यह रिबोस शत्र मिलती रिबोस से भी शत्र सुनता। बहुत सारी बहने दलेरी से निकलने वाली है, ये वचन उनकी जिंदगी के अंदर कार्य करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड शंदा रबा बस से भी शिविता रिबोस से पिता शत्र मिलता आज के बाद आप लज्जा के अंदर नहीं जियोगे, रबो सुमिता परमेश्वर ने आपको श्रेष्ठ किया है, आप श्रेष्ठ की तरह रहोगे, रबो सुमिता यंदर बाबा सिखे रिथा नमा सोरे विश्वता यो सुमिता। अब उस हर एक लज्जा को डांट प्रार्थना करे दास अपने लिए प्रार्थना शतर दृति रबा मासी के लिए शंदर यर वो सुधि शंदर वृता रिबा मासो विश्वी रिथा बाबा से मिलता यह रिबोस मिलता यह रिबोस मिलता यह
ये वचन आत्मा ने आपके लिए निर्देश किया और वो सिद्ध होंगे शत्तर बनवा रिमा मासु कर दे रिमोस निधि शत्तर बुद्धा रबाप से देश निधि शत्तर बुद्धा ये अंदर वो सिद्ध होता ये और बाप से दिखाना तो रिबा शत्तर निधि मस रिमोस निधि शत्तर बुद्धा ये बाप मस बुद्धा आज के कलाम के लिए प्रार्थना कर रिमोस निधि शुद्धि रिमोस निधि शत्तर बुद्धा रिबा मासु रिके निधि नीथा नमासु बशर रिमोस बुद्धा एकदम से नया अभी इसी वक्त के लिए नया प्रवेश का शत्तर बुद्धा रिबा मासु बशर आप नहीं जानते आपके दाहिने हाथ दूध खड़े हैं रिमोस बुद्धा रिमो आप सब अलर्ट हो जाए रिमोस बुद्धा छोटनों भी आए रिमोस भी शत्तर बुरी भी रिमोस भी ये रिमोस निर्मित शत्तर बुद्धा रिबा मास और रसोरी भी नीथाना मास और प्रसाद आज के वचन को ले दास रिबोस भी शत्तर बुद्धा रिबोस बुद्धा ये अंदरों सिद्धा दूध का हाथ आपके बाएं हाथ के ऊपर कंधे के ऊपर रखा हुआ है ये रिबोस बुद्धा ये हरि को तसल्ली देता है ये वो दूध है रिबोस बुद्धा जो तसल्ली देता है रिबोस बुद्धा जो सुकून को प्रवेश करता है रिबोस बुद्धा उस ताज को पहनने का समा चुका प्रवेश कर रहे शत्र मुक्ति रिबा मासो योदा ये ऊपर से आपके लिए तसल्ली का प्रवेश किया है उसको भेजा गया है रिबो सिविशति रिबो सना सना रिबो सना 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 को सना 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 को सना सब को सना रिवेश करो सना सना को 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 सना
वह प्यासों को देखता है और वो तरस करता है, आपकी जिंदगी के अंदर जो जो सवाल है वो एक एक सवाल को जानता है। आप सब प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के अंदर खुदा वही हो जो आपने चाहा है। आप सब प्रार्थना करें, आत्मा यही चाहती है। समर्था को सुने जा रही है, प्रार्थना में रहे, समर्था को सुने जा रही है। सम्मार बाप सूर्या सभा दिव्या सोधा खाना वासी भी दर्भी शब्दा बक्तोरी बास आप बड़े रहम करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। आज के कलाम के लिए मेरे पिता बड़ा फजल चाहते हैं मेरे पिता, जो आप अपने दास को आज आपने दिया मेरे पिता, वो एक एक जीवन में मेरे पिता और सोगना फल लेके आए मेरे पिता। ऐसा फजल ऐसी कृपा चाहते हैं मेरे पिता, आज एक एक जन मेरे पिता इन वचनों के वसीले, इन कलाम के वसीले मेरे पिता आज नया हो जाए, आज बड़ा बल पाए, बड़ी शांति, बड़ी आजादी पाए मेरे पिता। ऐसा फजल चाहते हैं मेरे पिता, एक एक जन मेरे पिता आज इस वचन के वसीले से बदल जाए मेरे परमेश्वर। आपकी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर चाहते हैं मेरे परमेश्वर। सारी प्रार्थना को आपने सुना, कबूल किया, ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि खुदा ने हमें अपनी हुजूरी बख्शी है। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे,
प्रकाशित वाक्या एक बाब उसके चौथे वचन लिखतुम यूना अगे योग उन्हां सत्तां कलीसियां नूं जिहड़ियां कसीआ विच हन उहदी वल्लों जिहड़ा है अते जिहड़ा है सी अते जिहड़ा आउण वाला है कृपा अते शांति तुहानूं होवे नाले उन्हां सत्तां आत्मिआं दी वल्लों जिहड़े उहदे सिंघासन दे अगे हन। यूना की ओर से असीआ की सात कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन सात आत्माओं की और से जो उसके सिंहासन के सामने हैं और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। फिर से चौथे वचन के पास यूहन्ना की ओर से असीआ की सात कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे तो दिखा के जो है जो फिर से चार वचन को पढ़ना है। यूहन्ना की ओर से असीआ की सात कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। लिखा है कि जो है जो था जो आने वाला है तो हम जितने खुदावन खुदा के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि उनको ये जान लेना चाहिए कि वो है वो जीवित है वो जीवित है। हम जितने यीशु मसीह के पास आते हैं जो बुलाए गए हैं जो चुने गए हैं जो खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं जब उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं जिस मार्ग पे प्रभु के लोगों ने चलना है उस मार्ग पे चलने के लिए बुलाए गए हैं सबसे पहली बात है कि उनको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो जीवित है वो हमें समझता है वो हमारे साथ है। जैसे इब्रानियां 11 का 6 में भी ये लिखा गया है पढ़ेंगे 11 का 6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वालों को ये जान लेना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दूसरी जिंदगी जो है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे अपने सलीब उठाकर मेरे पीछे आए तो
इस जिंदगी में, इस सफर में दो बातों का होना हमारे पास बहुत जरूरी है, अनुग्रह और शांति। अनुग्रह और शांति, और शांति। बगैर अनुग्रह के, बगैर शांति के हम आगे बढ़ नहीं सकते, नहीं सकते। अनुग्रह जो खुदा की कृपा है उसमें बने रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये दोनों चीजें जो है, अनुग्रह और शांति, हर एक मसीह जन जो है, जितने बुलाए गए हैं, एक एक के जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो उसने कहा है कि जो है, तो जो उसके पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो जीवित है, वो हमें समझता है, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमें बल देगा, वो हमें ताकत देगा। लेकिन आज हम बहुत सारे, जैसे जी भविष्यवाणी में भी हम सुन रहे थे कि बहुत सारे उसी जिंदगी में चलते चलते बेदलेर हो जाते हैं, बेदल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं दिल छोड़ जाते हैं। ये सफर ही ऐसा है, लेकिन उसके अनुग्रह से इंसान आगे बढ़ सकता है, उसकी कृपा से आगे बढ़ सकता है और उसकी शांति से आगे बढ़ सकता है। कब इंसान की शांति उसके अंदर से भंग होती है, कब इंसान की शांति उसके जीवन से जाती रहती है, कब इंसान खुदा की कृपा से गिर जाता है, कब इंसान खुदा की कृपा से बाहर हो जाता है, अनुग्रह से बाहर हो जाता है। तो इस सफर में दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी ओर से ही ये मिलती है, अनुग्रह भी और शांति भी। जब सलीब उठाने वाले लोग जो है, जो दुख उठाते हैं, जो मसीह के कारण दुख से गुजरते हैं, जो दुख होते हैं, वो इंसान के विश्वास को कमजोर करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन, मत्ती ग्यारह का दूसरा और तीसरा वचन। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है। तो यूहन्ना ने कैद खाने से, बंदी गृह से यीशु मसीह के कामों को क्या किया था, सुना था, लेकिन उसने ये संदेश भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात जो है। ऐसा क्यों हुआ? ये होना यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी साक्षी दे रहा है, बहुत बड़ी गवाही दे रहा है। इसने पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरता देखा था, इसने उस आवाज को सुना था, इसने ये साक्षी दी थी, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें पुत्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। तो ये खुद साक्षी देने वाला, इन आंखों से उसने देखा था पुत्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते, फिर भी ये क्यों शंका में चला गया। जब हम यूहन्ना की झील एक बार उसके 38 से पढ़ते हैं, 39 से 34 तक चौथी आयत का, यूहन्ना दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यीशु को अपनी ओर देखकर वो क्या कह रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप ले उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। ये साक्षी दे रहा है, इसकी साक्षी
मैंने पूरे विश्वास से पूरी दिलेरी से गवाही दे रहा है कि ये वो ही है जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसकी जुती का चश्मा खोलने के भी योग्य नहीं, ये वो ही है जो आपको पुत्र आत्मा और आज से बख्शवा देगा। एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं और उसने ये साक्षी दी कि जो मेरे पीछे आता है वो मुझसे श्रेष्ठ है और वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया कि वह इसराइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। ये साक्षी दे रहा कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई इसके ऊपर उतरते देखा है और आंखों से उसने देखा उस काम को और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। कहता कि मैं तो उसको जानता नहीं था पर जिसने मुझको भेजा उसने ये मेरे को कहा था कि जिसके ऊपर तू पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरता हुआ देखे वो वही है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मैंने देखा और ये गवाही दी कि यही परमेश्वर का क्या है, पुत्र है। तो ये होना क्यों शंका में चला गया? उसने अपने आदमियों को भेजा, सब कुछ देखकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं क्या हूं प्रसन्न हूं। उसने आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए देखा। आज बहुत सारे चुने हुए लोग, बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे खादम लोग खुदा की आवाज को पहले सुनते हैं, वो देखते हैं, बड़े विश्वास से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय क्या होता है कि उनके अंदर भी शंका आ जाती है, वेदनेरी आ जाती है, वो डर आ जाता है, वो भय आ जाता है, वो चिंताएं उनको घेर लेती है कि कहीं वो दर्शन झूठा तो नहीं था, कहीं मैं ऐसे तो नहीं निकल पड़ा, ऐसा क्यों हो गया। लिखा है कि वो जूना कहा था, कैद खाने में था, जिदान में था, बंदी गृह में था। कैद खाने में होने के कारण इसका मतलब उसके ऊपर भारी सताव था, वो भारी दुख में था, वो परेशानियों में था, चिंता में था। ऐसे ही आज भी बहुत सारे सेवक लोग, चुने हुए लोग, खुदा के बुलाए हुए लोग, जब वाली सताओ उनके ऊपर होता है, जब वाली दुख उनके ऊपर होता है तो अपनी बातों पर भी क्या आने लगती है, शंका आने लगती है। जो खुद देखा होता है उसके ऊपर भी क्या आने लगती है, शंका आने लगती है। जो खुद सुना होता है उसके ऊपर भी क्या आने लगती है, जो खुद प्रचार किया होता है, भविष्यवाणी की होती है, खुद दूसरों को तसल्ली दी होती है, उसके ऊपर भी क्या आने लगती है, शंका आने लगती है। क्यों? जब वो दुख में होते हैं, जूना भी कहा था दुख में था, कैद खाने में था, जिंदान में था, तो उसके कारण इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी वो भारी दबाव होगा, दुख का वो दुख महसूस कर रहा हो। आज दुख में ही बहुत सारे लोग जो ईमानदार लोग हैं जो है वो क्या हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। फिर जैसे भविष्यवाणी हो रही थी, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारे क्या हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। इधर उधर मत ताक का मतलब इधर उधर देखना शुरू करते हैं, शायद मेरा एक किसी दूसरे इंसान को सहारा बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझे उससे तसल्ली मिले, शायद मुझे उसके दर्शन से तसल्ली मिले, शायद मेरे लिए वो दुआ करे, बहुत बड़ा खादम, शायद मुझे तसल्ली मिले, शायद मुझे शांति मिले। तो इसका मतलब है कि वो इधर उधर पर ध्यान भटक जाता है। तो जैसे ये सुना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, इसका मतलब है कि हमें जो खुदा ने पहली बातें कही होती हैं, लिखाई होती हैं, पहली बात जो की होती है उसी के ऊपर हमेशा क्या करना चाहिए, टिके रहना चाहिए, उसी बात में हमेशा खड़े रहना चाहिए कि नहीं, मेरे खुदा ने कहा है, कहा है आकाश और धरती टल सकते हैं पर उसके वचन कभी भी टल नहीं सकते। जो उसने कह दिया है सो पूरा
होगा। वो पूरा होगा। अब्राहम को खुदा ने कहा था, लेकिन शंका आ गई कि शायद वो बच्चा जो है वो गोली हाजरा की कुख से ना होना, पैदा ना होना हो। लेकिन जो खुदा ने कहा था, जो वायदा किया था, वायदा की हुई संतान कहां से पैदा हुई? सारा की कुख से। तो इसका मतलब है कि खुदा अपने वायदे को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग आज क्यों कमजोर हो जाते हैं, क्यों डावाडोर हो जाते हैं? जब दुख में होते हैं, जब सताव में होते हैं, जब दबाव में होते हैं, आगे बढ़ते वक्त जब उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, तो उनको अपनी बातों पर भी, खुद आंखों से देखी हुई बातों पर भी, खुद सुनी हुई बातों पर भी क्या आने लगती है? शंका आने लगती है। ऐसे ही यूहन्ना के जीवन में हुआ था। उसने कहा कि क्या तू वो भी है जो खुद उसकी साक्षी दे रहा है, जो खुद उसकी गवाही दे रहा है? उसने कहा कि क्या तू वही है कि जब हम किसी और की बात जो, जिसको खुदा ने कहा था कि जिसके ऊपर तो पवित्र आत्मा को उतरता हुआ, पुत्र की राय को उतरता हुआ देखिए, उसने देख भी लिया था। वो खुद गवाही देता है कि मैंने देख लिया। तो इसका मतलब है कि देखने के बाद भी, सारा कुछ आंखों से देखने के बाद भी शंका आ सकती है, पर इसको कभी भी अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए, कभी भी आने नहीं देना चाहिए। हमें अपने खुदा, इसीलिए लिखा गया है कि ईमान के बारे यीशु मसीह की और नजरें लगी रहें, उसको देखते रहना चाहिए, उसकी और नजर लगी रहनी चाहिए। तो जैसे लिखा कि जो है, जो था, इसका मतलब कोई आपके भूतकाल के बारे में भी क्या करता है? जानता है, सब कुछ जानता है, पीछे के बारे में वो सब जानता है, जो आने वाला है। और फिर क्या लिखा था? जो आने वाला था उससे आगे प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन सात आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, अनुग्रह और उसकी शांति की। जब हम दुख में होते हैं, जो किसी लोग, चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग, खुदा के जन जब दुख में होते हैं, तो लिखा गया है कि उनका खुदा भी उनके साथ, जो अगर उसके लोग दुखी हैं तो वो भी क्या होता है? दुखी होता है। जैसे इब्रानिया 4:15 में हम पढ़ते हैं, इब्रानिया 4:15 पहले पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महाजाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महाजाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हमारा दर्दी ना हो सके। वन मैं सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वो हमारे समान कहता सभी बातों में परखा तो गया, जैसे कहता कि हम परखे जा रहे हैं, जैसे हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें दुख उठाना पड़ रहा है, हमें उस दुख के मार्ग में चलना पड़ रहा है, कहता वो भी हमारे हमारी तरफ पर खत हो गया, पर क्या निकला? निष्पाप निकला। तो कहता पर वो हमारा महाजाजक जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारी निर्बलताओं में जब हम कमजोर होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हमारे साथ दुखी ना हो। इसका मतलब जब हम दुखी होते हैं वो भी हमारे साथ क्या होता है? दुखी होता है, वो भी हमारे साथ दुखी होता है। तो अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए।
ये अनुग्रह कब इंसान के जीवन में से चला जाता है, कब कब इब्रानिया 12 बाब उसके 15वें वचन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जब कड़वी जड़ फूटती है इंसान के अंदर, कड़वी जड़ जब फूट जाती है तो क्या होता है, बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध होते हैं या दुखी होते हैं। पंजाबी में कैसे लिखा है, बिखड़े भाई कोई परमेश्वर की कृपा तो वजह ना रहे अते ना होवे भाई कोई पुरातन दी जड़ फुट के दुख देवे अते बाड़े ओदे कारण प्रिष्ट हो जान, अशुद्ध हो जाए, बहुत सारे उसके कारण अशुद्ध हो जाए, कड़वी जड़। जब इंसान के अंदर कड़वाहट आ जाती है फिर इंसान क्या करता है, दोष लगाना या माफ ना करना या इंसान के अपने अंदर ही एक युद्ध चलता रहता है जिससे उसकी शांति भंग हो जाती है, जिससे उसकी शांति जाती रहती है, उसके अंदर वो नहीं जुड़ता, वो पाप के साथ युद्ध नहीं होता, वो पाप के साथ युद्ध नहीं है, उसके अंदर युद्ध चलता है, उसकी अपनी खुदी या अपनी इच्छाओं के कारण, जो उसकी इच्छा होती है, अपनी इच्छाएं होती है, उसके अंदर युद्ध चलता है। तो जिसके कारण उसकी शांति जाती रहती है, आगे बढ़ना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, कुछ उसकी लालसाएं जो होती है वो फिर अंदर युद्ध चलता है, अंदरूनी युद्ध जो होता है उसकी शांति को क्या कर देता है, खत्म करता है। तो प्रभु के लोगों को, प्रभु के बुलाए हुए लोगों को कभी भी अपनी शांति अपने अंदर से जाने देने नहीं चाहिए, कोई भी बात ऐसी अंदर आने नहीं देनी चाहिए जो उसकी शांति को खत्म करे। हमेशा शांति अंदर रहेगी तो वो आगे बढ़ेगा, वो कृपा में बढ़ेगा, जैसे उसके अब्रानियों 4:16 में भी लिखा गया है, अब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। कहता गया आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने कैसे चलें, हियाव बांधकर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता, उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो आवश्यकता के समय, जरूरत के समय हमारी क्या करे, सहायता करे। तो कहता कि उस अनुग्रह को प्राप्त करना है, उस शांति को अपने जीवन में लेकर चलना है। तो हमेशा शांति कब मांग होती है, कब इंसान के अंदर से शांति जाती है, जब हमारे अंदर युद्ध चलता है, जब हम इधर उधर की बातों पर ध्यान लगाते रहते हैं। तो इसीलिए भविष्यवाणी में कहा गया कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, दूसरों की ओर नहीं देखना चाहिए, अपने खुदा की ओर देखना चाहिए, वचन की ओर देखना चाहिए, उन वायदों की ओर देखना चाहिए, उन वायदों की ओर देखकर ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसीलिए दाऊद ने यह कहा था, वचन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार के अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। घोर अंधकार से भरी हुई तराई, इसका मतलब कि मेरे चार चफेरे अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार हो, तो चार चफेरे अंधेरे अंधकार से भरे हुए लोग हो, चार चफेरे अंधकार अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई साथी ऐसा ना हो जो प्रभु में चलने वाला हो, कोई ऐसा साथी भी ना हो, दोस्त मित्र ऐसा कोई बहन भाई ना हो
परिवार का कोई मेंबर बना हो जो प्रभु में हो, रोशनी में हो, उसकी बातें दुनियावी हो, वो सारे अंधकार में हो। कहता है कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुई त्राही में चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। डराने वाली बातें आगे आती हो, कमजोर करने वाली बातें आगे आती हो, या बेदल करने वाली बातें आगे आती हो, तो भी कहता मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या, तेरी लाठी और तेरी सोटी से मुझे क्या मिलती है? शांति। लाठी परमेश्वर के वादों को दर्शाती है और सोटी खुदा के वचन को। इसका मतलब हमेशा उसके वादों को देखना चाहिए और उसके कलाम को देखना चाहिए, उसके वचन को देखना चाहिए। तेरी सोटी और तेरी लाठी हमेशा मुझे क्या देती है? शांति देती है। कैसे भी लोगों में इंसान को रहना पड़े, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी लोगों के झुंड में ही सही स्थिर रह सकते हैं। दूसरे लोगों में भी रहना पड़े तो हमेशा खुदा में बने रहने की समर्थ हमारे अंदर होनी चाहिए, अनुग्रह और शांति हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए कि हम उन लोगों में भी ऐसे ही चलते जाए। तुझे कब अंदर से शांति जाती है? जब इंसान के अंदर वो लालसाएं या कड़वी जड़ फूटती है, या हम दूसरों को माफ नहीं करते, या हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं जो अंदरूनी युद्ध होता है, तो शांति जाती रहती है। और फिर उस अनुग्रह से क्या कहता है, अनुग्रह से वंचित ना हो जाए, गिर ना जाए। जब खुदा का अनुग्रह इंसान से हट जाता है तो फिर उसको वो संभाले भी संभल नहीं सकता, उसको संभालने से भी उसको संभाला नहीं जा सकता। खुदा का अनुग्रह ही हमें चलाता है, खुदा का अनुग्रह ही हमें संभाल कर रखता है, खुदा का अनुग्रह ही हमें स्थिर रखता है, खुदा का अनुग्रह और उसका शांति जो हमारे अंदर होती है वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए बल देती है। तो अनुग्रह उसकी कृपा में हमने आगे बढ़ते जाना है, हमें अपनी कोई भी किसी भी ताकत पे किसी भी बल पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी कृपा के ऊपर, उसकी कृपा ही है वो हमें आगे लेकर जाएगी, वो कृपा ही है हमें उसमें बने रहने की ताकत देगी, उसकी कृपा ही है जो हमें उसके सामने खड़े होने के योग्य बनाएगी, उसका अनुग्रह ही है जो हमें सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य बनाएगा, उसका अनुग्रह ही है जो हमें विजय बनाएगा, जो हमें जयवंत बनाएगा, फतावंत बनाएगा। उसके अनुग्रह में हमने बढ़ना है। तो उसने कहा कि उसकी सोटी और लाठी, इसका मतलब उसने उसकी ओर देखा और अपने चार चुफेरे के अधिकार की ओर नहीं देखा। हमें भी ऐसी स्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो ऐसी स्थितियों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, अपने भेजने वाले को, अपने बुलाने वाले को वो देखना चाहिए और उसके वादों को देखना चाहिए, खुदा के कलाम को देखना चाहिए जो हमें क्या देगा, शांति देगा, जो हमें उस अनुग्रह में चलाएगा। और जैसे लिखा गया है फिर प्रकाशित वाचन 1:4 को पढ़ेंगे, असिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के क्या है, सामने। तो यूहन्ना, जैसे यूहन्ना के बारे में हमने पढ़ा कि वो जब दुख में था, जो सताव में था, कैद खाने में था, बंदी गृह में था, तब उसके अंदर वो शंका आई। तो आज भी मसीहों के अंदर उस वक्त शंका आती है जब वो दुख में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, जब चिंता में होते हैं, फिर उन खुदा की बातों जो उन्होंने आंखों से देखी होती है या सुनी होती है खुदा की बातें, उन पर भी क्या आती है, शंका आती है। जैसे यूहन्ना को आई, बेशक वो शंका आई, पर यीशु मसीह वो ही था जो यूहन्ना ने जिसके बारे में साक्षी दी हुई थी, शंका ने उसको नहीं बदल दिया। आपके अंदर आने वाली शंका जो है उस खुदा के काम को नहीं बदलेगी। तो फिर उसने कहा कि उन 7 आत्माएं, ये जो 7 आत्माओं का जिक्र किया गया है प्रकाशित वाक्य 5:6 में पढ़ेंगे,
तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो वध किया हुआ मेमना देखा गया, वध किया हुआ मेमना देखा गया। ये क्या है? उसके सात सींग और सात आंखें थी। वध किए हुए मेमने के सात सींग हैं और कितनी आंखें हैं? सात आंखें। सात आंखें हैं। ये परमेश्वर की, ये परमेश्वर की क्या क्या है? सात आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो जूना क्या देख रहा है कि वध किया हुआ मेमना देख रहा है? वध किया हुआ मेमना जिसकी कितनी आंखें हैं? सात आंखें हैं और सात सींग हैं। ये परमेश्वर की सात आंखें और सात सींग क्या है? परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। फिर से पढ़ दो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके सात सींग और सात आंखें थी। जो ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। सात सींग और सात आंखें थी। आंखें ज्ञान को दर्शाती हैं और सींग सामर्थ और अधिकार को दर्शाते हैं। सामर्थ और अधिकार को दर्शाते हैं। तो ये सात आत्माएं हैं। कहता यही सात आत्माएं हैं। ये सात आत्माएं आत्मा एक ही है कुल मिलाकर, लेकिन ये सिद्धता को दर्शाता है। ये सात किसको दर्शाते हैं? सिद्धता को दर्शाते हैं। तो जैसे नौ वरदान है, वो वरदान भी हम उसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? दो हिस्सों में, ज्ञान और समर्थ के वरदान। तो उन वरदानों के बंद होने से भी इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। वो नौ जो है वो कितने हैं? दो ही हैं, ज्ञान और सामर्थ। जैसे शिपा का वरदान, चिंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, विश्वास का वरदान, ये कौन से वरदान है? सामर्थ के। ज्ञान हमें परमेश्वर की उस महिमा के लिए तैयार करता है। ज्ञान के वरदान जो है, जो ज्ञान है स्वर्ग की महिमा के लिए तैयार करते हैं, स्वर्ग से उतरने वाली महिमा के लिए तैयार करते हैं। तो इनका रुकना भी इंसान का आगे बढ़ना क्या हो जाता है? रुक जाता है। ज्ञान इंसान को नहीं मिलेगा तो वो रुक जाएगा। स्वर्ग का वरदान उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा। विश्वास कमजोर हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, रुकेगा। तो आज हमें उस अनुग्रह से और शांति में बने रहकर इन वरदानों के वसीले से, ज्ञान और सामर्थ्य के वसीले से आगे बढ़ते जाना है। ये ज्ञान हमें दिलेर करेगा, ये हमें बेदिलेर नहीं होने देगा। उसका वचन हमें दिलेर करेगा, खुदा का कलाम हमें दिलेर करेगा। ये समर्थ हमारे विश्वास को बनाकर रखेगी, हमारे कमजोर विश्वास को हमारे जीवन से निकालकर हमारे अंदर उस दृढ़ विश्वास को पैदा करेगी। इस समर्थ के वरदानों को भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। इसका कार्य हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इन वरदानों से भी हम आगे बढ़ते हैं। और आज आगे बढ़ने के लिए हमें उस दुख के समय में भी यही वचन, ये ज्ञान हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। कहता कि वो सात आत्माओं जो उसके सिंहासन के सामने हैं, ये सात आत्माएं सिद्धता को दर्शाती हैं। ये वो मेमने के सात आंखें और सात सींग हैं जो ज्ञान और स्वर्थ और अधिकार को दर्शाती हैं। ये सात आत्माएं। तो आज हमारे पास भी वही ज्ञान होना चाहिए, वही स्वर्थ और अधिकार का होना हमारे पास भी जरूरी है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इनके बगैर भी हम आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते।
इनके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए इनको हमने प्राप्त करना है, इनको हम अपने जीवन में लेकर चलना है। ये काम करना छोड़ देंगे तो तब भी इंसान रुक जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके जीवन में रुकावट आती है वो कहते हैं हमारी पहले वाली दुआ नहीं है, पहले हमारे जीवन में ऐसे होता था अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जीवन में आई है, रुकावट आई है। तो कभी भी अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर वो माफी वाला दिल कुड़त्तन की जड़ नहीं पैदा होने चाहिए, हमेशा माफी वाला दिल होना चाहिए और हमेशा हमारे अंदर वो प्यार खुदा का प्यार होना चाहिए जिससे हम उसके अनुग्रह में बने रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, वो शांति से आगे बढ़ते जाते हैं। पहला ग्रंथियां 2:7 भी पढ़ेंगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर का कौन सा ज्ञान? गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान, तो इसका मतलब वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, कहता कि हम उसको सुनाते हैं। फिर से बोलो। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं। वेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए क्या किया गया था? ठहराया था। तो इसका मतलब है कि वो तभी होता है जब हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन में किसी किस्म की रुकावट आती है तो ये सब बातें भी क्या हो जाती है? रुक जाती है। हमेशा शांति हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए, अपनी शांति को कभी भी अपने जीवन से भाग नहीं होने देना चाहिए, या अपनी शांति हम अपने जीवन से खुचने नहीं देनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात जो हमारे अंदर से शांति को छीनती है उसको अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने खुदा की ओर ध्यान देना चाहिए। जब इंसान ज्यादा सोचता है इधर उधर की बातों पर, इधर उधर देखता है, तो फिर उसके अंदर की शांति जाती है, जिससे वो आगे बढ़ने में उसके लिए क्या हो जाती है? दिक्कत होती है, रुकावट आती है। तो ये रुकावट नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। ये चिंताएं या प्रेशर या दबाव, ये ऐसी बातें हैं जो शंका पैदा करती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, फिर भी विश्वास में शंका आ जाती है, जैसे यूहन्ना के जीवन में, क्योंकि वो कैद खाने में बंदी गृह में होने के कारण इस बात में शंका में आया, उस दुख के कारण, उस सताव के कारण ही इस शंका में आया जो उसने देखी हुई थी। तो आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि देखी हुई बातों पर, सुनी हुई बातों पर, जिस पर आपने विश्वास किया था, जिस पर आप विश्वास करके निकले थे, उन पर कभी भी शंका नहीं आनी चाहिए। पहली बातों को हमेशा क्या रखना है? याद रखना है और आगे ही आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम उसके सिंहासन के सामने खड़े पाए, उसके आगे उसी के सामने पाए जाए। तो आज अपने जीवन में उस अनुग्रह से शांति के आगे बढ़ते जाए और खुदा की महिमा पुस्तक रुड़ाई करते जाए। आपके बात करेंगे तो आपकी शगल की तरह काली का
जिसके कारण उनके अंदर शंका पैदा हो और वो शंका पैदा करने वाली आत्मा में दूर हो बस, और उस दुख के समय में वो हमेशा प्रभु एक एक की नजर आपके ऊपर लगी रहे, ईमान के माने यीशु को देखते रहे प्रभु, और एक एक के जीवन में वो शांति हो और दिलेरी हो और हर डर चिंता डिप्रेशन एक एक के जीवन से बाहर हो रहे यीशु के नाम से बाहर हो बस। समर्थी लोग सेव करते हैं और बड़े विश्वास से प्रभु तेरे लोग तेरे बेटे बेटी आगे बढ़े और तेरी मर्जी को पूरा करें और एक एक जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। आज सबको शांति दे, आज एक के हृदय में वो शांति आ जाए, बेचारी परेशानी समर्थी नाम से निकल जाए, समर्थी लोग सवाल हो जाए,
और वो शांति सब हृदयों में हो, ताकि वो आगे बढ़े और तेरी मर्जी को पूरा कर सके हर एक पद अनुग्रह बड़ी दया प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और हमारे खुदा मुद्दों का शक्त दवा की मोहब्बत को निभा दे और सबके साथ आप तेरे दरवेश हमेशा रहते हैं आमीन। सब जय श्री जी।